नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ओमती पुलिस ने कार चोरी के मामले में 3 आरोपियों को नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चुराई गई स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ओमती थाना के SI वीडी द्विवेदी ने बताया कि अब्दुल रहीम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओमती थाना अंतर्गत कार्तिक होटल के पीछे उन्होंने अपनी स्विफ्ट कार खड़ी कर दी थी और जब वापस लौटे तो कार गायब हो गई थी। पुलिस ने कार चोरी का मामला दर्ज कर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, उसमें कार ले जाते 3 शख्स दिखे। जब पुलिस ने पतासाजी की तो जानकारी लगी कि कार ले जाने वाले दीपेंद्र विश्वकर्मा पनागर निवासी हिमांशु राय और रांची निवासी जसवंत राय है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने कार ले जाना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई स्विफ्ट कार भी नरसिंहपुर से बरामद की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड में लेकर अब अन्य वाहनों की चोरी के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 69, जबलपुर। स्विफ्ट चोरी का हमारे यहाँ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। अब्दुल रहीम हैं, अपने कार्तिक होटल के पीछे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। गाड़ी के नंबर है MPBCF 4770 स्विफ्ट VDI और वहाँ से उसकी कार चोरी हो गई थी और उसने आवेदन पत्र दिया था जिसकी जांच पर से चोरी का मामला कायम किया गया था। इस बीच में CCTV फुटेज और अपनी सूचना तंत्र के द्वारा पता लगा कि इसमें से 2-3 लड़के इन्वॉल्व हैं। उस आधार पर दीपेंद्र विश्वकर्मा, ये काडरवारा के हैं, वर्तमान में यहीं पर रहते हैं रतन चौक। हिमांशु राय है, सिंधी कॉलोनी गुरु नानक वार्ड पनागर के हैं। यशवंत कुशवाहा रेलवे लाइन किनारे रांझी में रहते हैं। इनको एक प्रतमी से उठाकर पूछताछ की गई, जिनने गाड़ी चोरी बताया और इनके कब्जे से चोरी गए वाहन बरामद किया गया है। प्रॉपर गिरफ्तारी की जाकर इनको रिमांड पर लिया गया है। अन्य वाहनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये दीपेंद्र विश्वकर्मा का पुराना शराब वराब के प्रकरण है, 34-2 के हैं। बल्कि इनके अभी तक और प्रकरण थानों संबंधित थानों से पता किया तो अभी तक जानकारी नहीं मिली। समस्त थानों को हमने सूचना दी है, जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की। गाड़ी को हम लोग नरसिंहपुर से जब्त किए थे क्योंकि इसका मूल निवास नरसिंहपुर ही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर CSP साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।